ਦੇਨ ਕੋ ਕਰੋ ਥੈ ਪਟੱਕਾ ਅਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ ਔਰ ਕਿਨੇ ਆਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਕਿਨੇ ਤੜਕਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਹੋਏ ਭਾਈ ਹੈ हरियाणा में बेरोजगारी से तंग आकर युवा रोजगार की तलाश में अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के जींद जिले के धमतान साहिब गांव में देखने को मिला। धमतान साहिब का सोनू भी अपनी पत्नी व बच्चों से मिलने के लिए कबूतरबाजों के माध्यम से बेलारूस के रास्ते पुर्तगाल जा रहा था कि अज्ञात लोगों ने बेलारूस में सोनू को बंधक बना लिया। इसके बाद वो व्हाट्सएप कॉल करके परिजनों से 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इस दौरान वीडियो कॉल में प्रेशर बनाने के लिए सोनू को मार भी रहे हैं। मेरा भाई विदेश जाना चाहता था अपने बच्चे और पत्नी के साथ जी, वहाँ पे वो बंधक बनाया हुआ जी, हमारा पूरा परिवार करो रो के बुरा हाल है जी, और हमारे पास देने के लिए पैसे भी नहीं है जी। कितने पैसों की डिमांड की जा रही है? कभी 20 लाख मांगते हैं जी, कभी 24 लाख मांगते हैं जी। पैसे हमारे पास पैसे इतने हैं नहीं कि हमको दे सकें जी। हमारे 4 लाख पहले दे चुके हैं जी हम, फिर भी उसको मारपीट के टॉर्चर किया जा रहा है रही। कई बार मेरे सामने पीटा जा रहा है जी, कई बार मेरे भाई के सामने भी पीटा जा रहा है जी। मेरे भाई की ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जाती जी। क्या मांग करते हैं आप? वहीं बंधक सोनू के भाई कर्मजीत ने बताया कि उनके पास फिरौती की रकम देने के लायक पैसे नहीं है, लिहाजा सरकार उनके भाई की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करे। हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी से तंग आकर लोग विदेशों का रुख करते हैं और कबूतरबाजों का मामला भी हरियाणा के अंदर थमने का नाम नहीं ले रहा। जो युवा है विदेश जाने के लिए कबूतरबाजों का सहारा लेते हैं और कबूतरबाज बीच रास्ते उन्हें प्रताड़ित करते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। एक ऐसा ही नया मामला जींद जिले के धमतान साहिब का आया है। जो धमतान साहिब का सोनू है वो भी बीच रास्ते फंसा हुआ है और उससे भी लाखों रुपए की मांग की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सोनू का जो भाई है उनसे बात करेंगे। कहाँ जाना चाहता और क्या कारण था? देखो, सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि यहाँ पे इतना मतलब काम वगैरह नहीं है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो फिर भी वो जाना चाहता था यूरोप में, ठीक है। पहले उसकी वाइफ और जैसे वो भी उसने भी अप्लाई किया था 2022 में, ठीक है, सितंबर में वो चले गए, उसकी वाइफ चली गई और एक वो था वान जाता, वो भी साथ में चला गया, लेकिन इसका काम नहीं बन पाया किसी कारणवश। ये कहाँ से वापस? ये सर्बिया से वापस आ गया था, ठीक है। फिर अभी ये अभी लास्ट मंथ की बात है तो अशोक तितरन नाम के एजेंट से संपर्क किया इसने और तो उस 12 तारीख को इसकी फ़्लाइट थी, वहाँ जाते ही मतलब इसका किडनैपिंग हो चुकी थी, ठीक है। उन्होंने 4 लाख की डिमांड की, 4 में से हमने 4 लाख दे दिए थे हमने उनको, ठीक है। फिर उन्होंने बोला था कि वापस भेज दो इसको, हमें आगे भी नहीं भेजना ही चाहता क्योंकि आपको फर्स्ट स्टेप पे ही अगर ऐसा से पता चल जाए तो आप बैकअप करना चाहोगे, ठीक है। तो फिर अभी कल कॉल आई इसकी तो इन्होंने की 20 लाख की डिमांड। सुबह 6 बजे इसको मारा पीटा जा रहा था, इसकी वीडियो को, इसकी वाइफ को और मतलब मेरे को कॉन्फ्रेंस पे घर वालों के ताकि इमोशनल करके इसको हम सबके सामने मतलब पूरा पोलथीन से में डाल के पूरा थप्पड़ थप्पड़ मार के और पैसे की डिमांड की जा रही थी। ये बुलवाया जा रहा था इससे कि कैसे भी मतलब घर बेचो कुछ भी करो तो अपना पैसे का इंतजाम करो, 20 लाख चाहिए हमें, नहीं हम इसको मार के ऐसे ही हम फेंक देंगे कहीं, नहीं ऐसा काम कर देंगे, मारेंगे भी नहीं कि भीख मांगने भी लायक नहीं रहेगा ये और वो। तो मैं ये चाहता हूँ एक जो गुरजीत नाम का बंदा है जो पतड़ा है उसका अकाउंट नंबर इन्होंने दिया था कि ताकि इसमें जितने उसके पे कल ट्रांसफ़र करो। तो कल हम एसपी ऑफिस गए थे, आज हम उन्होंने चौकी थाना में ऐसे यहाँ पे बुलाया था। तो मैं चाहता हूँ सरकार से जल्दी जल्दी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और जल्दी जल्दी मेरे भाई को वापस लाया जाए। जैसे वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, आखिर आपने पैसा देने की क्या सोची फिर? पैसा है ही नहीं, पैसे दे देंगे कहाँ से? हमने 10,000 रुपये सेंड किए हैं बस, उसको पहले पैसे कर चुके, उसकी वाइफ भी कर चुकी है वैसे तो सेंड, जो $1,800 तो अभी थोड़े 4-5 दिन पहले ही किए हैं। तो फिर से डिमांड उनकी बढ़ती जा रही है। पैसा कब तक फंसा हुआ है वो? वो बेलारूस में है। बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर बताया जो इनका भाई सोनू है वो पुर्तगाल जाना चाहता था लेकिन वो बेलारूस के अंदर फंसा हुआ है और उसे बार बार टॉर्चर किया जा रहा है और परिवार के साथ वीडियो कॉल करवाई जा रही है टॉर्चर करते हुए ताकि इमोशनल होकर ये पैसे दे दे और 20 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। इन्होंने बताया कि वो जमीन भी पहले बेच चुके हैं, अब प्रशासन व सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें इनका बेटा वापस लौटा दे।
पंजाब के जरिए गुलशन चावला नरवाना। बता दें कि हरियाणा पंजाब के किसी युवक का किसी यूरोपीय देश में बंधक बनाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी भी कई युवक विभिन्न देशों में फंसे हुए हैं और उनके गरीब परिजन उनकी सुरक्षित वापसी की राह देख रहे हैं। उम्मीद है विदेश मंत्रालय इस संबंध में कोई प्रभावी कदम उठाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से सोनू को बंधकों से छुड़ाने की मांग की है। नरवाना से गुलशन चावला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।